मुझे बताने के लिए कोई मसीहा आएगा? कौन मसीहा आएगा? गलती किसकी थी तुम दोनों में? ठाकुर साहब मैं रास्ते से जा रहा था, इसने मुझे लंगड़ी बिदा के गिरा दिया। ठाकुर साहब ठाकुर की लाइब्रेरी में गलती करने वालों का यही इंतजाम होता है। ठाकुर साहब इंतजाम नहीं, अंजाम होता है। सॉरी, अंजाम होता है। थैंक्स मुंशी जी। ये लंबा ठाकुर यहाँ खड़ा है और इस मोटे लड़के को इंसाफ मिला है और लड़की में आग लगा दी। अबे मुंशी जी नहीं, मुन्नी बोल। मुन्नी क्यों? ये बहुत बड़ी दास्तां है। ठाकुर साहब उस बेवड़ा ठाकुर ने मेरी लौंडिया को ए मर जानियो। तू हरिया की लौंडिया है ना? तू हरिया की लौंडिया। अबे तू कितनी मोटी को भद्दी लगती है रे। अरे विमल तो खाया नहीं, जुमा केसरी पहले से हो गई। बेवड़ा ठाकुर, इंतजाम होगा, इंतजाम। इंसाफ होगा तुम्हारी लौंडिया का। मुन्नी मैं बहुत मारूंगा उस बेवड़ा ठाकुर को, साले को। अरे बहुत हरामी आदमी है भैया वो, भैया प्लानिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। अरे दस की चार चप्पल लुट गया माल। अबे यहाँ तो सही में माल लुट रहा है। हाँ लुट रहा है। कितनी चप्पल दूँ? चार चप्पल दे। हाँ ले लो। तूने इतनी चप्पल क्यों मारी? अबे ये साले गांव वाले और बार्गेनिंग करना नहीं छोड़ेंगे। ले। अबे रख। सस्ती चप्पल का लालच देके किसने मारा होगा? मालिक गांव वालों से पता चला है सस्ती चप्पल का लालच देके मारने वाला वो कोई और नहीं, ठाकुर भानु प्रताप ही था। ठाकुर मार मार के कुत्ता बना देगा वो। प्लानिंग बनाएंगे। क्या है? देख नहीं रहा इतना जरूरी काम कर रहा हूँ मैं? तुम्हारे बाबूजी तुम्हें टेर रहे हैं। सच में क्या उन्होंने ऐसा कहा कि बुला दो? साले उसके बाप का नौकर हूँ क्या बे मैं? कह देना उससे नहीं आ रहा है। कह दूंगा मैं। नहीं बे जा रहा हूँ ना बे। कट्टो मैंने इससे कभी पहले कुछ नहीं मांगा, क्या मैं इससे जो मांगूंगा वो देगा मुझे? हुकुम तो दीजिए बाबूजी, मेरी बेटी आपके बेटे के साथ बाबू सोना का खेल खेलती है और इस खूनी खेल में आपका बेटा भी साथ देता है, तो कृपया करके आप अपने बेटे को समझा लीजिए। इससे पूछो कि ये इस वाले अपने बाबूजी को चाहता है या फिर मोबाइल वाले अपने उस बाबू को चाहता है। मुन्नी एक बचपन से इरादा है कि इन भुखनंगों के लिए एक शौचालय बनवानी है, लेकिन वो क्या है? हो जाएगा ठाकुर बेटे, हो जाएगा। हमसे बेटा कहेंगे। मुंशी बचा। क्या? नहीं क्या दादा हो क्या यहाँ? कितने दादा ही है। तो मार दोगे आदमी? हाँ मारेंगे। कौन है ये जो मेरी तरह इतना सुरीला गाना गा रहा है? निकल के सामने आओ, मुझे तुम्हें देखना है। क्या तुम गाना गा रही थी? वाह, तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो क्या? लोगों को तो लव एट फर्स्ट साइड होता है,
और मुझे लव एट फर्स्ट वॉइस हो गया है तुमसे। निकल जाओ मेरी हवेली से तुम दोनों। ये ठाकुर जो तुम्हारी शक्ल देखेगा तो ये मोमोज खाना छोड़ देगा। मुन्नी इन भुगनंगों के लिए काम चालू हो जाएगा। सॉरी मैंने देखा नहीं आपको। देखकर फेंक भी नहीं सकते थे, देखकर फेंकते तो मैं बताता। संस्कार इसके शरीर से बड़े हैं यार। मुन्नी ठाकुर साहब हमारे यहाँ नालियों से पानी नहीं निकल रहा है, कुछ करिए। कल हम कलेक्ट्रेट जाके कलेक्टर से बात करेंगे। कलेक्ट्रेट में तो अब हमारा काम वैसे भी नहीं हो सकता। क्यों? आपकी छोटी बहू जो कलेक्टर बन गई है। हमें कलेक्टर साहब से मिलना है। ये लो हमारा कार्ड। बाहर जो बैठे हैं वो बहुत खास मेहमान हैं, उनको आने दो। अल्लाह बीबी। राम राम। कलेक्टर साहिबा जो हमारे नगर के वासी हैं उनको नाली के पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। कृपया अगर आप सफाई कर्मियों से उस पानी को जल्द से जल्द निकलवा दें। बरसात भी चालू हो चुकी है, बहुत परेशानी हमारा और पूरे नगर में। देखिए अभी हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं वो राधे मूवी देखने गए थे। तो दो दिन से तो वो बेहोश ही थे, अभी दो दिन बाद उनको होश आया है। डॉक्टर ने बोला है कि दो दिन और उनको अभी रिकवर होने में लगेंगे, तो दो दिन बाद भेजती हूँ। नहीं कलेक्टर साहिबा नहीं, हमारे नगर के जो वासी उनको बहुत दिक्कत आ रही है कलेक्टर साहिबा। पानी इतना गंदा आता है कि कुछ सीमा नहीं है। देखिए मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। गाड़ी पर बैठकर कलेक्टर का धर्म और कुर्सी से खड़े होते ही पति का धर्म। बैठो बेटे, बैठो बैठो। और बताओ क्या है और घर में बताओ। दोस्त एक बात बताऊं? हाँ बताओ ना। मेरे पिताजी मेरे दादाजी को पसंद नहीं करते हैं। क्यों क्यों? वो क्या है ना, मेरे पिताजी एक दिन अब फोन पे अपने बाबू से बात कर रहे थे, तो मेरे दादाजी उन्हें बात करने से रोक रहे थे। तो इसलिए वो मेरे पिताजी मेरे दादाजी को पसंद नहीं करते हैं, और मैं भी अपने पिताजी को पसंद नहीं करूंगा अगर मैं मुझे वो फ़ोन करने से रोकेंगे अपने बाबू। अरे ये छोड़ो बेटे, और बताओ सब, और ये बातें छोड़ो ठीक है बेटे। दोस्त मैं तुम्हारे लिए खीर लाया था। लाओ बेटे। दोस्त खीर खाओ। हाँ बेटे ठीक है, बेटे ठीक है ठीक है। दोस्त मैं घर जाता हूँ, मेरे जाने का टाइम हो गया है। अबे मुंशी ये क्या है? अरे ये तो अपना दूध वाला है भाई। दूध वाला? अबे उठा इसका दूध, उठा सालेगा। खीर 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 बनाएंगे भाई, खीर। अभी आपको खीर दिख रही है, वो पड़ा हुआ है, उठाओ उसको। गुटका ला। अच्छा गुटका ला। अरे खीर खा ली, खीर खीर खा ली, खीर खा ली। खीर खा ली।
क्या खीर खा ली बे? इधर जान निकल जाती मेरी, तेरे बाल कहाँ गए? ये जो मेरी जवानी, बाद जो बुढ़ापा आया है उसी का नतीजा है। तूने अभी खीर नहीं खाई? मैं नहीं खाई मैंने खीर, क्या है उस खीर में? नहीं खाई मैंने। तू इतना बड़ा है और तेरा बाप यहाँ बना पड़ा है और आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। बाबू जी आपने खीर नहीं खाई क्या? कहाँ है वो खीर? जब से खीर नहीं खा रहे हो कहाँ है? अरे नहीं खाई मैंने खीर साले, जब से लगे तेरी मम्मी और तू चल निकाल के मानो क्या साले, जब से पीछे पड़े हो नहीं खाई। हाँ हाँ समझा समझा, क्यों नहीं खा रहे अंदर खीर? खाओ। अबे ये मेरी मम्मी है, अबे अबे साला एंटीबॉडी तैयार करो, एंटीबॉडी खून की उल्टी करो एक बार, ठीक है? एंटीबॉडी मेरे में तैयार होगी, कितनी बार भी देख लूं कुछ नहीं हो सकता है। हाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर भी करना, बेल आइकन जरूर दबाएं। और काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप लोग कहाँ से हैं, तो आप लोगों को बता दें कि हम लोग नौगांव डिस्ट्रिक्ट छतरपुर MP से हैं। और गाइस आप लोगों ने पहली वीडियो में हम लोग को बहुत प्यार दिया है, ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। हाँ गाइस, 2K हो गए हैं, जो उम्मीद के बाहर थे, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इतने भी व्यूज़ आएंगे। थैंक यू सो मच।